नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी आने वाली है। और दोस्त, मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इतिहास पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं, वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से। और दोस्त, आपको इतना विश्वास रख रहे हैं अपने भाई पर कि जितने भी क्वेश्चन आपके इतिहास से बनेंगे वे हमारी वीडियो से ही आपको बनेंगे, इस बात का मैं आपसे दावा करता हूं। और दोस्त, पहले मैंने आपको बताया था कि हमने इतिहास को कैसे कैसे कवर करना है और हमने इतिहास में क्या क्या पढ़ लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पहले से ही पता होगा, जो नए हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ। मैंने आपको पहले पाषाण काल पढ़ाया था। पाषाण काल में जो है आपका मानव की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारी दूसरी वीडियो आई थी, दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई उसके बारे में सब कुछ हमने, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे हमारी दूसरी वीडियो में। और दोस्त, आज जो हमारी इतिहास की क्लास है वो हमारी क्लास तीसरी होने वाली है। ये है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, यानी कि जो जो हमारे प्रमुख स्थल है वहां से क्या क्या अवशेष मिले और इनकी खोज किसने की और कब की, यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्त, आज की वीडियो में हम इनको समाप्त कर रहे होंगे। तो दोस्त, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि आपको इसी प्रकार से हम तैयारी यहाँ पर कराने वाले हैं। तो दोस्त, आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है उनमें सबसे पहले नाम आता है किसका, हड़प्पा का। देखिए, जो हमारा हड़प्पा है ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। हड़प्पा एक जगह का नाम है जो पाकिस्तान में पड़ती है और इसकी खोज जो है कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और दोस्त, किसने की थी, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और दोस्त, आप सभी को पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज भी दयाराम साहनी के द्वारा ही की गई है दोस्त। और दोस्त, कब की थी दोस्त, मैंने आपको बताया 1921 में। और आपसे पूछा जा सकता है कि आपका हड़प्पा जो है स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो दोस्त, किस नदी के किनारे, रावि नदी के किनारे जो है हड़प्पा स्थल बसा हुआ है। देखिए दोस्त, अगला जो हमारा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है दोस्त पाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है दोस्त। और 1922 में इसकी खोज हुई थी। और जो है ये किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है हमारा क्या, आपका मोहनजोदड़ो। और दोस्त, इसकी खोज किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने। किसने की थी, राखलदास बनर्जी ने जो है आपकी मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कब की थी, 1922 में की थी दोस्त। और दोस्त, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म में भी आर डी बनर्जी, कहीं कहीं पर आपको आर डी बनर्जी भी देखने को मिल सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। चलिए, अगला जो हमारा स्थल है वो है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहां पर पड़ता है दोस्त, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। और दोस्त, इसकी खोज 1931 में हुई थी और ये भी आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित प्रमुख स्थल है। और दोस्त, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, गोपाल एच मजूमदार। गोपाल एच मजूमदार जी के द्वारा खोज की गई थी आपकी चनहुदड़ो की, जो कि स्थल पड़ता है कहां पर, पाकिस्तान में। अगला जो हमारा स्थल है वो है दोस्त रोपड़। क्या है, रोपड़ है, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। और रोपड़ कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका पंजाब में। कहां पर पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। और इसकी खोज कब हुई थी, 1953 में हुई थी। और दोस्त, किस नदी के किनारे पड़ता है ये रोपड़, ये पड़ता है सतलज नदी के किनारे। कहां पर, सतलज नदी के किनारे पड़ता है पंजाब में रोपड़। और दोस्त, रोपड़ की जो खोज की थी वो की थी यगदत्त शर्मा ने। किसने की थी, यगदत्त शर्मा ने की थी दोस्त। एक दो बार आप इसको रिपीट कीजिएगा, आपके याद हो जाएगा दोस्त, ठीक है। अगला जो हमारा प्रमुख स्थल है, इंपोर्टेंट लगाइएगा, ये है आपका कालीबंगन। कालीबंगन कहां पर पड़ता है, सबसे पहले तो यही इंपोर्टेंट है, ये पड़ता है आपका राजस्थान में। कहां पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है दोस्त। और दोस्त, इसकी खोज बालकृष्ण थापड़ जी के द्वारा की गई थी। सॉरी दोस्त, थापड़ नहीं, थापर है। बालकृष्ण थापर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और कब की गई थी, 1951 में। और दोस्त, जो हमारे कालीबंगन है ये किस नदी के किनारे पड़ता है, ये पड़ता है आपका घग्गर नदी के किनारे। कहां पर पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है हमारा क्या, कालीबंगन, जिसकी खोज 1951 में हुई थी। किसके द्वारा, बालकृष्ण थापर जी के द्वारा। चलिए दोस्त, अगला जो हमारा इंपोर्टेंट स्थल है वो पड़ता है आलमगीरपुर। क्या पड़ता है, आलमगीरपुर। देखिए, अगला जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। कहां पर पड़ता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमारा आलमगीरपुर है ये क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सबसे पूर्वी स्थल है। क्या है, सबसे पूर्वी स्थल है आपका आलमगीरपुर। और कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में। और कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के भी, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहां पर, मेरठ जिले में। और आपको कमेंट में बताना है ये जो है आपका
आलमगीरपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आप नीचे कमेंट में आंसर जरूर छापेंगे दोस्त। और दोस्त, जो हमारा आलमगीरपुर है, इसकी खोज 1958 में हुई थी। और ये किस नदी के किनारे है? हिंडल नदी के किनारे है। कहाँ पर है? हिंडल नदी के किनारे है। और किसने की थी इसकी खोज? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा खोजा गया था आपका आलमगीरपुर स्थल। और दोस्त, आपका देखिए बनावली, अगला, ये बनावली नहीं है, बनावली है ये, बनावली। बनावली कहां पर पड़ता है दोस्त? ये पड़ता है आपका हरियाणा में। कहां पर पड़ता है? हरियाणा में। और किसने की थी इसकी खोज? बिष्ट जी ने की थी। किसने की थी? बिष्ट जी ने इसकी जो है खोज की थी। और दोस्त, कहां पर की थी? ये की थी आपकी सरस्वती नदी के किनारे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बनावली किस नदी के किनारे है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे। और किसके द्वारा खोजा गया? बिष्ट जी के द्वारा खोजा गया, आपको याद रखना है। अगला जो हमारा स्थल पड़ता है धोलावीरा, इंपोर्टेंट नोट करिएगा, धोलावीरा, धोलावीरा इंपोर्टेंट है। कहां पर पड़ता है धोलावीरा? पड़ता है दोस्त गुजरात में। कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है धोलावीरा। और किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, किस नदी के किनारे है धोलावीरा? ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। और किसने खोज की थी इसकी? ये करी थी आपकी जेपी जोशी जी ने। किसने की थी? जेपी जोशी जी ने इसकी खोज करी थी। किसकी? धोलावीरा की, जो कि हमारा स्थल पड़ता है आपका कहां पर? गुजरात में पड़ता है दोस्त। अगला जो हमारा इंपोर्टेंट स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है दोस्त? ये पड़ता है हरियाणा में। कहां पर पड़ता है राखीगढ़ी? हरियाणा में पड़ता है दोस्त। और किस नदी के किनारे है? सरस्वती प्लस द्वसदती नदी, ये दो नदियां हरियाणा में बहती है, इनके किनारे पर पड़ता है हमारा क्या? राखीगढ़ी दोस्त। और इसकी जो खोज की थी अमरेंद्र नाथ और सूरज भान जी, दो हमारे ये आपके वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज करी थी, अमरेंद्र नाथ और सूरज भान जी, इन दो व्यक्तियों ने जो है इनकी खोज की थी दोस्त। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला जो हमारा इंपोर्टेंट स्थल है वो है आपका लोथल। लोथल कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये भी बहुत इंपोर्टेंट है दोस्त। लोथल कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है? ये है आपका भोगवा नदी के किनारे। कहां पर है? भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। और किसने खोज की थी इसकी? इसकी खोज की थी रंगनाथ राव जी ने। किसने की थी? यहाँ पर भाव लिखा हुआ है, ये भाव नहीं है, ये है आपका रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, रंगनाथ राव जी ने जो है इसकी खोज की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव जी ने। किसकी? लोथल की। देखिए दोस्त, ये जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, ये हमारे किस किस ने खोजे और किस नदी के किनारे है, ये हमने कवर कर लिया है। अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या क्या चीजें पड़ती है, जैसे यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, उनके बारे में मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, जो हमारा अगला जो स्थल है, अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट स्थल है वो है आपका हड़प्पा। यानी हड़प्पा से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है? देखिए देखिए, जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा मैंने आपको ऊपर बताया किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये है आपका रावी नदी के तट पर। कहां पर है? रावी नदी के तट पर बसा हुआ है हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा, ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्त देखिए, जो हमारा हड़प्पा है, हड़प्पा के जो लोग थे वे कैसे थे? शहरी निवासी थे, मतलब शहर में निवास करने वाले लोग थे। कहां के? हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट बात होगी। और अगला जो हमारा इंपोर्टेंट यहाँ से साक्ष्य मिला वो क्या मिला? जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मिले आपके हड़प्पा से। कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले। और दोस्त, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, इसके लोग क्या करते थे? मुद्रा बनाने में सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? सेल खड़ी का प्रयोग करते थे। जैसे अब हमारे यहाँ पर मुद्राएं चलती है, उस टाइम पे भी मुद्राएं चलती थी, और जो किससे निर्मित थी? सेल खड़ी से निर्मित थी। सेल खड़ी एक पदार्थ है, ये इसके द्वारा जो है अपने धातुएं बनाया करते थे दोस्त। किस सभ्यता के लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग। चलिए अगला जो पॉइंट है, जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें? शवों को दफनाने के साक्ष्य। शव क्या होता है? जैसे आदमी मर जाता है तो उसकी जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं? शव कहते हैं, या उसको डेड बॉडी हम कह सकते हैं, ठीक है। और शवों को दफनाने के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? वे प्राप्त हुए हमें हड़प्पा से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शवों को दफनाने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं दोस्त। और दोस्त, यहीं से हमें क्या प्राप्त हुआ? कछुए की हड्डी के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहां से? हड़प्पा से। हड़प्पा से ही शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले, हड़प्पा से ही आपको कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त।
और दोस्त आगे यहां से हमें इंपोर्टेंट क्या मिला, हमें यहीं से तांबे की इक्का गाड़ी मिली। क्या मिली? तांबे की इक्का गाड़ी कहां से मिली, इंपोर्टेंट नोट करेंगे। और दोस्त जितने भी मैं पॉइंट इसमें आपको लिखवाऊंगा सॉरी जितने भी पॉइंट आपको लिखवाए जाएंगे आपको दिमाग में छाप लेने हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर यहां से ही आपको क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। और दोस्त तांबे की इक्का गाड़ी कहां से मिली, हड़प्पा से मिली। और दोस्त कपास की खेती के साक्ष्य भी हमें हड़प्पा से ही प्राप्त हुए हैं। देखिए दोबारा देखिए, तांबे की इक्का गाड़ी और कपास की खेती के साक्ष्य मिले कहां से, हड़प्पा से। और दोस्त अगला है हमारा इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा, महिला से निकलते गर्भ से निकलता पौधे का चित्र। देखिए यहां पर गर्भ जो है गलत लिखा हुआ है, रह यहां पर आएगा। देखिए महिला के गर्भ से निकलते पौधे का चित्र कहां से मिला, हड़प्पा से मिला। आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये तो थी हमारी हड़प्पा, हड़प्पा से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए मैंने आपको करा दिए हैं। अब अगला जो हमारा नंबर आता है वो आता है स्थल का मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको अभी कराने वाला हूं दोस्त। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो शब्द है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, इसका अर्थ होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और दोस्त इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिंध का बाग। सिंध का बाग किसे कहा जाता है, मोहन जोदड़ो को कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और दोस्त जो हमारी मोहन जोदड़ो है, मोहन जोदड़ो ही हमारी हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहलाती है। जुड़वा का मतलब उसकी बहन, ठीक है। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, मोहन जोदड़ो को कहा जाता है, याद रखेंगे। और दोस्त यहीं से हमें क्या प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार। स्नानागार का मतलब क्या होता है, स्विमिंग पूल। क्या होता है, स्विमिंग पूल। आज ब्लू है पानी, पानी वाला, ठीक है। और दोस्त यहीं से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहीं से हमें विशाल अन्नागार प्राप्त हुए। अन्नागार से क्या मतलब है, जहां पर ये अपने खाने पीने की वस्तुएं रखते थे, जैसे गेहूं चावल आदि रखते थे, तो ये बहुत बहुत बड़े भंडार हमें अवशेषों में प्राप्त हुए हैं दोस्त। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विशाल स्नानागार कहां से मिले, आपका मोहनजोदड़ो से मिले। और विशाल अन्नागार हमें कहां से प्राप्त हुए है, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी ध्यान से पढ़ रहे होंगे और दोस्त आपको याद भी हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यहां से हमें और क्या प्राप्त हुआ वो देखिए। मोहनजोदड़ो से देखिए, मोहनजोदड़े से ही हमें क्या मिला, मोहनजोदड़े से ही हमें नटराज की मूर्ति के साक्ष्य मिले। नटराज, नटराज की मूर्ति के साक्ष्य मिले। और दोस्त यहीं से हमें पशुपति या दाढ़ी वाले महादेव, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दाढ़ी वाले महादेव के साक्ष्य कहां से मिले, ये हमें कहां से मिले, मोहन जोदड़ो से मिले दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें यहीं से क्या मिला, यहीं से हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति। क्या मिली, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहां से मिली, ये भी हमें मोहन जोदड़ो से मिली। ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और दोस्त यहीं से हमें स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य कहां से मिले, मोहन जोदड़ो से मिले। और दोस्त जो हमारी बीमारी होती है मलेरिया, मलेरिया के साक्ष्य भी हमें यहीं से प्राप्त हुए हैं दोस्त। दोस्त यहां से जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं हमारे अगले इंपोर्टेंट स्थल की ओर। अगला हमारा जो स्थल है वो है चनहुदड़ो। क्या है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। जो हमारा चनहुदड़ो है इसी को कहा जाता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता की, क्या कहा जाता है इसको, सिंधु घाटी सभ्यता की औद्योगिक नगर। सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर किसको माना जाता है, वो माना जाता है चनहुदड़ो को, ठीक है दोस्त। और दोस्त यहीं से क्या प्राप्त हुआ, चनहुदड़ो से ही हमें मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनका बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ, ये आपका चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है दोस्त। और दोस्त यहीं से हमें क्या मिला, सौंदर्य का सामान। सौंदर्य का सामान से क्या मतलब है, जैसे काजल, कंघा और आपका लिपस्टिक। आपसे पूछा जाएगा कि सौंदर्य का सामान का साक्ष्य कहां से मिला, ये भी आपको चनहुदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि उस टाइम की जो हमारी स्त्रियां थी वो भी सौंदर्य के सामान का प्रयोग करती थी। इस बात की पुष्टि हमें कहां से हुई, चनहुदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्त। चलिए आगे यहीं से हमें क्या मिला, यहीं से हमें वृक्काकार ईंट और गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से, चनहुदड़ो से। और दोस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये है आपका चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य। चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं, चनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं दोस्त। इंपोर्टेंट है, एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे जो हमारा इंपोर्टेंट पॉइंट है, चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले,
चनहुदड़ों से मिले। और दोस्त यहीं पर हमें एक अवशेष और प्राप्त हुआ, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के चिन्ह। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चिन्ह के साक्ष्य कहां से मिले, ये भी हमें चनहुदड़ों से जो है प्राप्त हुए हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, क्या क्या प्राप्त हुआ? औद्योगिक नगर माना जाता है किसको? चनहुदड़ों को माना जाता है। और मनका बनाने का कारखाना चनहुदड़ों से मिला। और सौंदर्य का सामान कहां से मिला, ये भी हमें चनहुदड़ों से मिला। और दोस्त हुरक का कार्य ईंट और गोल ईंटों के साक्ष्य कहां से मिले, ये भी हमें चनहुदड़ों से मिले। और दोस्त चार पहिए वाली गाड़ी के साक्ष्य हमें कहां से मिले, चनहुदड़ों से मिले। और दोस्त बिल्ली का पीछा करते कुत्ते के निशान हमें कहां से मिले, ये भी हमें चनहुदड़ों से प्राप्त हुए हैं दोस्त। चलिए आगे जो हमारा इंपोर्टेंट स्थल है वो है लोथल। क्या है? लोथल। लोथल से हमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं वो देखिए। देखिए जो हमारा ये लोथल है ये क्या था? एक मानव निर्मित बंदरगाह था। क्या था? एक मानव निर्मित बंदरगाह था। क्या? लोथल। बंदरगाह क्या होता है? जहां पर समुद्र के तट पर आकर जहाज रुकते हैं, जो बाहर से सामान लाते हैं, जहां पर जहाजों को रोका जाता है उसको क्या कहते हैं? हम बंदरगाह कहते हैं। और ये क्या था? मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाया गया क्या था? एक बंदरगाह था। और दोस्त इसे क्या कहा जाता था? इसी को ही व्यापारिक नगर कहा जाता था। किसका व्यापारिक नगर? सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था वो जल मार्ग के द्वारा ही होता था, ठीक है, या बंदरगाहों के द्वारा ही होता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? व्यापारिक नगर कहा गया है। किसको? आपका लोथल को, ठीक है। और यहीं से हमें लोथल से क्या मिला? बाजरा, चावल, आटा पीसने की चक्की के साक्ष्य हमें कहां से मिले, ये भी हमें जो है लोथल से मिले। कहां से मिले? लोथल से मिले। और दोस्त आगे हमें जो है यहां पर क्या प्राप्त हुआ देखिए, जो हमारे लोथल के टाइम के जो सॉरी दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय के क्या थे? घर थे, ठीक है। वहां से जो उनके घर हैं, घरों में हमें क्या हुआ? घरों में हमें क्या प्राप्त हुआ? एक मतलब ये आपका लोथल है। लोथल से हमें ये प्राप्त हुआ, जो उस टाइम के घर थे उनके जो दरवाजे हैं वो किसकी ओर खुलते थे? सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान थे उनके जो दरवाजे हैं, मेन गेट है, वो सड़क की ओर खुलते थे। इस बात की पुष्टि हमें कहां से होती है? लोथल से इसके हमें अवशेष मिले हैं दोस्त, ठीक है। और दोस्त यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ? तीन युगल समाधि। तीन युगल समाधि से क्या मतलब है? तीन युगल समाधि से मतलब है तीन लाश मिली हमें, तीन अवशेष मिले, तीन शव मिले, ठीक है। इसी को कहा जाता है तीन युगल समाधि, ठीक है। जैसे एक आपका मानव हुआ, मानव के साथ स्त्री और उसके साथ कुत्ता, तो क्या हुआ? तीन हुए, तो इन्हीं को कहा गया है तीन युगल समाधि। समाधि क्या होती है? जब आदमी मर जाता है तो उसको दफना दिया जाता है, तो उसके ऊपर जो आकृति निर्मित करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं, ठीक है। आगे हमें यहां से क्या मिला? हाथी के दांत का पैमाना मिला। और इंपोर्टेंट है घोड़े की हड्डी के साक्ष्य। घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल से मिले दोस्त। आगे यहीं से हमें शतरंज के खेल। शतरंज क्या होता है? चेस, जो आप खेलते हैं उसके खेल के साक्ष्य हमें कहां से मिले शतरंज के? ये मिले हैं लोथल से दोस्त। और दोस्त यहीं से हमें क्या प्राप्त हुआ? मम्मी का मॉडल। मम्मी का मॉडल कहां से प्राप्त हुआ? हमें लोथल से प्राप्त हुआ। मम्मी क्या होती है? देखिए जैसे जैसे आदमी मर जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता में जब आदमी मर जाता था तो उसको जो है दफनाने से पहले क्या करते थे? उसके शरीर पर एक लेपन करते थे, एक पदार्थ का लेपन करते थे और उसको एक पट्टियों से ढक देते थे। पट्टियों में ढक देने के बाद उसको जो है एक ताबूत में बंद करके दफना देते थे। तो इसको क्या कहा जाता था? इसको मम्मी कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे जो हमारा इंपोर्टेंट स्थल है वो क्या है? कालीबंगन। क्या है? कालीबंगन। कालीबंगन को क्या कहा जाता है? कालीबंगन को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है? कालीबंगन को कहा जाता है। और दोस्त जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले? हमें कालीबंगन से मिले। और जो ये खेत थे ये किसके थे? ये चने और सरसों के खेत थे। किसके थे? चने और सरसों के खेत थे, जो कि हमें कालीबंगन से अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। और दोस्त जली हुई वह पकी हुई चूड़ी के साक्ष्य कहां से मिले? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट नोट कीजिएगा, ऐसे पूछा गया है कि जली हुई चूड़ी के साक्ष्य कहां से मिले? कालीबंगन से मिले। दोस्त एक एक क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ऊंट की हड्डी के साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं? ये भी हमें कालीबंगन से मिले हैं। मतलब हमें ये पुष्टि हो गई कि उस टाइम पे ऊंट भी थे, ठीक है। अगला जो हमारा है लकड़ी के हल के साक्ष्य। लकड़ी के हल के साक्ष्य कहां से मिले? ये भी हमें कालीबंगन से मिले। अगर आपसे पूछ लिया जाए मिट्टी के हल, क्या मिट्टी के हल का साक्ष्य कहां से मिला? मिट्टी का हल मिला था हमें बनावली से,
इम्पोर्टेंट ये भी पूछा गया है। और बनावली मैंने आपको बताया कहां पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए लकड़ी के हल के साक्ष से, कालीबंगन, और अगर पूछ लिया जाए मिट्टी का हल कहां से मिला, बनावली से मिला, जो कि हरियाणा में स्थित है। चलिए आगे देखिए, सात हवन कुंड के साक्ष्य है, सात हवन कुंड के साक्ष्य हमें कहां से मिले, ये भी हमें कालीबंगन से मिले दोस्त। ठीक है, क्या क्या मिला, दीनहीन बस्ती कहा गया, किसको, कालीबंगन को कहा गया। और जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहां से मिले, कालीबंगन से मिले। और जो खेत हमारे थे चने और सरसों के, और जली हुई और पकी चूड़ी के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगन से मिले। और दोस्त ऊंट की हड्डी के साक्ष्य हमें कहां से मिले, ये भी हमें कालीबंगन से मिले। और दोस्त लकड़ी के हल के साक्ष्य कहां से मिले, ये भी हमें कालीबंगन से मिले। अगर मैं आपसे पूछ लूं मिट्टी के हल के साक्ष्य कहां से मिले, तो आपका आंसर होगा बनावली हरियाणा में, और यहीं से हमें सात हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला जो हमारा इंपोर्टेंट स्थल है वो है हमारा धोलावीरा। क्या है, धोलावीरा, जो कि हमारा अंतिम स्थल है, इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए धोलावीरा, धोलावीरा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, देखिए धोलावीरा से हमें क्या हुआ, जल कुंड के साक्ष्य मिले। जल कुंड, जल कुंड क्या होता है, जैसे जलाशय होता है, तालाब होता है, उसके साक्ष्य हमें कहां से मिले, धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और दोस्त सुनामी के साक्ष्य, समुद्र में जो सुनामी आती है ना लहरों के द्वारा, उसके भी हमें साक्ष्य कहां से मिले, ये भी हमें धोलावीरा से लाने हैं। और दोस्त आपको भी याद रखना है, आपको भी एक सुनामी लानी है, और सुनामी कैसी लानी है, अपने नाम की लानी है। ठीक है, और स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम का मतलब क्रिकेट, स्टेडियम के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए, ये भी हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। और दोस्त जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वे मैंने आपको बताया है वर्काकार या गोल ईंटों का प्रयोग करते थे, और जो वे ईंट थी वे किस रंग की थी, वे लाल रंग की थी। किस रंग की, लाल रंग की थी। इस बात की पुष्टि हमें कहां से हुई, ये भी हमें धोलावीरा से इस बात की पुष्टि हुई है। दोस्त ये था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, और यहाँ से बनने वाले जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वे मैंने आपको करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है।